हमारे साथ हैं युवा शहर संगठक मीरा भयंदर से सलमान हाशमी। आइए जानते हैं मीरा भयंदर में इनके रहते हुए काफ़ी अच्छे कार्यों में ये आगे आ रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ बुक दिखाएंगे, जरा बुक दिखाइए, मिनट बुक हैं ये, इन्होंने छपवाए हैं, देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से बुक्स हैं ये, अब डिस्ट्रीब्यूट के लिए निकल रहे हैं। चलिए जानते हैं अब हम इन्हीं से कि कितनी हज़ार ये बुक्स आप बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शिवसेना जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे 9 नंबर वार्ड में शिवसेना पार्टी के माध्यम से हमारे आमदार माननीय श्री प्रताप जी सरनाइक के माध्यम से खासदार लोकप्रिय खासदार राजन जी बिचारे साहब के माध्यम से हमारी महिला आमदार हैं 145 की गीता भरत जैन मैडम के माध्यम से हमारी जिला प्रमुख जो है हमारे प्रभाकर जी मात्रे साहब हैं और जिला अघाड़ी की महिला अध्यक्ष हैं स्नेहल सावंत कलसरिया मैडम के माध्यम से और हमारे सभी शिवसेना के कार्यकर्ताओं के मनोबल से ये जो हम लॉन्ग बुक बांटने जा रहे हैं ये लॉन्ग बुक तकरीबन 50,000 कॉपी हमने छपवाया है जिसको हम हर सोसाइटी में जाके वाटअप करने वाले हैं और उनको जो है जिनके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को दिया जाएगा, जिनके घर में 3 बच्चे हैं तीनों बच्चों को दिया जाएगा, इसी तरीके से पूरे वार्ड में दिया जाएगा और हर बच्चों को 4 लॉन्ग बुक दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है अभियान अभी जल्द ही चालू होने वाला है जिसका हमें इंतजार है सिर्फ हमारे बड़े पदाधिकारियों को जो अभी इस समय प्रेजेंट में टाइम नहीं है उनके पास और टाइम अभी मीरा भयंदर के अंदर जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, आने वाले वक्त में 2-4 दिन के अंदर मुझे टाइम मिलेगा और मैं उनके हाथों से ये चीजें शुरुआत कराऊंगा। ये हाल ही में हमने देखे थे कि सीनियर सिटीजन्स के मसले से भी आप आगे आए थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं नाना नानी सुलभ जीवन संस्था एक एनजीओ चलाता हूं जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और हमारे साथ में इस समय 58,000 ज्येष्ठ नागरिक जुड़े हुए हैं, उनकी निस्वार्थ सेवा की जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल सुविधा हो, चाहे वो उनको अनाज की कमी हो, चाहे उनके घर की दिक्कत हो या बाहर की दिक्कत हो, महानगर पालिका से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या पुलिस चौकी से कोई रिलेटेड दिक्कत हो तो हम सारी चीज़ों को उनका समाधान करके और करने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं। हाल ही में और आपके तरफ से एक न्यूज़ वायरल हुई थी और हमने भी देखा था कि वो हैंडीकैप्स हो, ब्लाइंड हो, उनके लिए भी आप आगे आते हैं, उसमें आपने अभी फिलवक हाल में क्या काम किए? देखिए उनके लिए जो है जो समस्या थी अभी लॉकडाउन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी लॉकडाउन 22 मार्च को लगी यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर तभी उस समय से मैं लोगों की सेवा में इतने तन मन धन से हर तरीके से उनके लिए मैंने लोगों के लिए सेवा के लिए दौड़ा और रनिंग लिया, लोगों को कार्य करके दिया, जिस तरीके से जिसको अनाज की जरूरत थी, सैनिटाइजर की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी या अदर दवाइयों की जरूरत थी उन सभी के लिए हमने तकरीबन कंटिन्यू हमारी ऑफिस से हमारे जनसंपर्क कार्यालय से हमारे आमदार प्रताप जी सरनाइक के माध्यम से हमने यहाँ पे तकरीबन कंटिन्यू 6 से 7 महीने तक लोगों की मदद की और लोगों की सेवा किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रताप सरनाइक जो हैं वो चर्चा में तो रहते हैं लेकिन उनकी चर्चा का विषय ये रहता है कि उनका काम जिस तरह से शिवसेना में, अगर चाहे आप ले लो साउथ मुंबई से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत जाधव रहे हैं, आमदार यामिनी यशवंत जाधव रहे हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में अलग अलग विभिन्न इलाकों से अगर कोई काम करता, यहाँ प्रताप सरनाइक काम कर रहे हैं, उनकी वजह यही है कंटिन्यू जीत के आने की। तो क्या अब की बार ये माना जाए कि सलमान हाशमी जिस तरह से सोशल फील्ड में उतर रहे हैं, क्या इस वक्त आपको कॉरपोरेटर की उम्मीद है कि शिवसेना की तरफ से आपको टिकट मिलेगी और क्या अब की बार आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इंसान का काम बोलता है और हमारे आमदार प्रताप सरनाइक जिस तरीके से
महाराष्ट्र के अंदर 146 के आमदार होते हुए और इस समय शिवसेना प्रवक्ता हैं वो, लेकिन जिस तरीके से 146 के आमदार होते हुए भी उन्होंने 145-146 के लोगों को जोड़ा और लोगों का काम करके दिया, हम जैसे शिवसैनिकों का मनोबल बढ़ाया और हमारे जैसे लोगों को लेके चलना बहुत ही हम लोगों का फक्र से सीना चौड़ा होता है। और बाला साहब ठाकरे जी जिस तरीके से सर्वधर्म को लेके चलने वाले, लोग बोलते हैं हिंदुत्व पार्टी हिंदुत्व के सम्राट थे, तो वाकई में हिंदुत्व के सम्राट थे और हैं और रहेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं बन सकता। लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं और तरीके से बातें करते हैं, लेकिन हम जहां तक देखते हैं और उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान को लेके महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से कार्य किया, शिवसेना पार्टी को बढ़ाया, और आज शिवसेना पार्टी का मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे जो है यूथ के जो है मंत्री माननीय श्री आदित्य जी ठाकरे साहब आज जिस तरीके से लोगों का कारवां लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को जिस तरीके से बराबरी का हिस्सा देके लेके चलने वाले शख्सियत, मैं तो आज तक ऐसा ना मुख्यमंत्री देखा ना ही हमारे जो है, हम तो इतना जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर थाना डिस्ट्रिक्ट में 146 के आमदार, आज मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कोई आमदार प्रताप जी सरनाईक जैसा अगर कोई आमदार दिखे तो आप अपने चैनल के माध्यम से हमें बता सकते हैं या आप लोगों को बता सकते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसा आमदार कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, शिवसेना की अगर आप बात करते हैं प्रताप सरनाईक, तो वाकई में अगर शिवसेना की जो यामिनी यशवंत जाधव है साउथ मुंबई में, उनका भी एक अलग तरीके का काम है। चलिए, शिवसेना वाकई में जिस तरह से बाला साहब का एक जो मैसेज था कि 80% समाजकारण करो 20% राजनीति करो, वो शिवसेना में दिखती है, काम करते हैं। नया नगर हो, मीरा भयंदर हो, आज सलमान हाशमी जिस तरह से यूथ मुस्लिम्स बैनर्स को ले लेके उसमें ऐड और काफ़ी लोग आपके साथ में जुड़ते जा रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे आमदार शिवसेना प्रवक्ता लोक लाडले आमदार माननीय श्री प्रताप जी सरनाईक के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा लेके चल रहा हूँ मैं, उनके माध्यम से ही उनके कार्य को देख के और जिस तरीके से यूथ हमारे साथ में जुड़ रही है और युवाएं बहनें हमारे साथ में जुड़ रही हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि हैंडीकैप या ब्लाइंड को भी इतना उत्साह है कि वो शिवसेना पार्टी से जुड़ रहे हैं और जुड़ के वो काम कर रहे हैं, लोगों की भलाइयां कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आमदार, मेरे खासदार और महिला आमदार गीता भरत जैन मैडम के नेतृत्व में, यहाँ के जिला प्रमुख हमारे प्रभाकर जी मात्रे साहब और महिला जिला प्रमुख जो है स्नेहल सावन कलसरिया मैडम के नेतृत्व में जिस तरीके से मीरा भाईंदर में लोग उत्साह से ज्वाइंट हो रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आगे चल के जिस तरीके से शिवसेना का, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में महानगर पालिका में भगवा मय होगा और शिवसेना का महापौर उपमहापौर स्टैंडिंग कमेटी सारी चीजें शिवसेना पार्टी की होगी, शिवसेना ही होगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से सलमान हाशमी यहाँ पे चर्चा में तो रहते हैं लेकिन काम में भी रहते हैं, आज युवा जुड़ रही है, कैमरामैन जय सिंह के साथ मीरा भयंदर से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।